हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी और ड्राइव या यूएसबी ड्राइव पर डेटा सेव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे मेन मेन्यू, सेटअप, सिलेक्ट ड्राइव पे एंटर करेंगे। ड्राइव, यहाँ जिस ड्राइव पे आपको डेटा सेव करना हो वो एंटर कर देना है। हम यहाँ पे डी ड्राइव पे डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डी एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको येस टू ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। सॉफ्टवेयर मैसेज दे देगा करंट डेटा ड्राइव इज डी। आपका सभी डेटा अब डी ड्राइव पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम रिलाय में कोई और लोकल ड्राइव पे डेटा स्टोर या सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।